राधे राधे, आज सुबह की शुरुआत मैं अपने इस ब्लॉग की कान्हा के चरणों से कर रही हूँ। कान्हा राधे राधे, मेरा कान्हा हाथ धो के तैयार हो गया, पूजा पाठ हो गई है, माता माता भी नहा ली हैं, सब नहा लिए सारे भगवान, उनको भोग भी लगा दिया मैंने, उनकी पूजा कर ली है। और काम तो देखो ऐसे फैला ही हुआ रखा है, इसलिए सुबह की शुरुआत मैं अपने कान्हा के चरणों से करती हूँ। कान्हा राधे राधे, कान्हा कहता है तुम मम्मी बात वो तुम बात करती रहती हो, तुम्हारा टाइम कितना हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। कान्हा मेरा कह रहा है कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सर्दी जा भी रही है, और यानी कि वो सर्दी लुका छुपी खेल रही है अभी, तो अपने आप को बचा के रखो, और तुम भी रखो, और मन्नू को भी कह देना कि अपना बचाव रख के खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आज का दिन आपका मंगलमय हो। यही कान्हा सबके लिए दुआएं करता है। कान्हा राधे राधे। हेलो भाई, ये देखो मौसम, पानी सुबह रात में पानी पड़ा था तो ऐसा मौसम हो गया है, बादल है, कल सारा था ना बहुत तेज, इस वजह से इसलिए। हेलो गाइस, ये देखिए मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ अपना गार्डन, कि जब पानी नहीं पड़ा था तब ये ऐसे मुरझाए से थे पेड़, अब देखो यानी कि 2 दिन की बारिश में एकदम ऐसे खिल गए हैं जैसे इनमें जान आ गई। इनको भी खाद पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, इंसान को जैसे यानी कि क्रीम पाउडर और हर चीज़ की ज़रूरत होती है तो इनको भी पड़ती है, तो ये हरे भरे हो गए हैं, हरे भरे, ये देखो हरा भरा गार्डन, तरोताज़ा पेड़ पौधे तरोताज़ा हो गए हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा था इनमें जान ही नहीं रही है। पता नहीं जो पानी दे रहे थे वो पानी काम ही नहीं कर पा रहा था। हाँ देखो अच्छे लगते हैं, हरा भरा होता है ना तो अच्छा लगता है इनको, पेड़ों को देख के मुझे, आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता है आप लोग कमेंट करना कि आपको भी पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये पेड़ पौधे। ये कुछ नहीं चाहते, बस थोड़ी सी यानी कि इनकी केयर कर लो तो ये आपको खुश कर देते हैं फूलों से, और इनको देखने में भी अच्छा लगता है, और मूड भी ख़राब होगा ना तो मूड भी सही हो जाता है इनको देख के। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद नहीं अभी थोड़ी देर बाद। देखो ये बताई हुई है, सारा सामान चट्टा पड़ा है, ये सारा ये खाली वाली पड़ा है, सारा सामान चट्टा पड़ा। देखो ये देखो कैसे सामान फैला रखा है, ये देखो ये सामान फैला रखा है मेरा ऐसे ही, अब तो यानी कि हट गया, नहीं तो ये पूरा कमरा भरा पड़ा था और घुसने की भी जगह नहीं थी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, मैं इधर बैठी हुई हूँ, देखो मौसम, हवा चल रही है और ठंडी ठंडी, धूप तो अच्छी निकली थी लेकिन हवा चल रही है, ऑफिस बंद हो रहा, फिर हम चलते हैं, सब लोग जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। आज कुछ तबीयत भी अच्छी सी नहीं लग रही है, तबीयत ख़राब सी लग रही है, मौसम देखो ठंडा सा, ठंडा ठंडा हो रहा है मौसम, पर लेकिन बरसात आने से पेड़ पौधों में चमक आ गई है, जान आ गई है पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे बड़े खूबसूरत हो गए। हाँ किसका? हाँ है, वो जड़ी बूटी खाने पड़ती है भैया, जड़ी बूटी नहीं कोई ऐसा और ठोका इलाज भैया उसका तो मुझे नहीं पता, इन भैया को हमेशा मजाक सूझा रहता है, ये मजाक करने में ही लगे रहते हैं, जरा भी
तो नहीं आती है, मजाक करने में लगे रहते हैं। बस चलते हैं हम अपने घर की तरफ के लिए। यहाँ बियर पंप पे है देखो, अंकल के रुके, क्योंकि 15 दिन के बाद तो 20 दिन के बाद शिवरात्रि है, तो इसलिए बियर भी पंप रहे हैं। तो चलते हैं देख के बाबू की गाड़ी हो सकती है। सब जा चुके हैं, मैं ही जा रही हूँ, मैं ही रह गई हूँ, तो सब जा चुके हैं। राजेश भैया आ रहे हैं पीछे पीछे से, मिलते हैं थोड़ी देर बाद घर पहुंचने के बाद। देखो गाइस, ये देखो कितनी गंदगी फैली हुई है, इसमें मेरे काना बैठे हैं। कन्ना राधे राधे, कन्ना की शाम की दिया बत्ती हो चुकी है, मिश्री का भोग भी लगा दिया मैंने, और क्या बताऊँ, घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। जिधर देखो उधर गंदगी है, कहीं कुछ रखा है। ये देखो दिखाती हूँ, ये देखो ये सब, ये बता, इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में कहाँ बैठ पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी। कन्नू कैसे लग रहा मम्मा, मैंने तो कहा था कि चलो 2 दिन के बाद नंबर आएगा था, तो पूरा फिर गंदगी फैल गई है। मुझे कन्नू को गंदगी पसंद नहीं है, जल्दी से साफ कराओ, जल्दी पुताई उताई कराओ, मुझे नहीं पता। ठीक है कन्नू, छोड़ ही कन्नू, मन्नू ने पूछ ही नहीं थी मुझसे। बाय कन्नू।